थोड़ा सबर रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। माननीय सदस्य, टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था क्या बोल तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे? वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। सब चंगा सी, एवरीथिंग इज गुड। सो द डिफेंस मिनिस्टर इज द सेम, द कॉमर्स मिनिस्टर इज द सेम, द होम मिनिस्टर इज द सेम, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इज द सेम, द फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो सेम। Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो बेंच बजाने वालों का थोड़ा नंबर कमती हो गया है. The number of cheerleaders have gone down because the people of this country denied them an access to this temple of democracy, sir. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye aur kursi ka peeti bandh lijiye, mausam bigadne wala hai. Thank you, sir.